हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी सारी ठीक है। आई रियली रियली होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि अभी बीमारियाँ बहुत चल रही हैं। मौसम चेंज होने के कारण सभी को जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, मेरे को भी जुकाम हो रहा है। चलो छोड़ो। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 1:26 पे। ये क्यों मैं बता दूँ आपको, मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए हैं और मेरे को टेंशन हो रही है कि वो अभी तक कहाँ रह गए। वैसे मेरे को पता है वो कहाँ रह गए, वो ड्यूटी गए थे 12 बजे और उनका ऑफ भी हो चुका था 11:30 बजे, बट अभी वो गए अपने किसी फ्रेंड के पास। तो वो आते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने बजे आते हैं। आप लोग ये बोलते हो कि आप वीडियो अच्छी नहीं डाल रहे, अभी आपकी मतलब वीडियो अच्छी अच्छी नहीं आ रही, पहले अच्छी आ रही थी अभी अच्छी नहीं आ रही। तो यही कारण है, इसी कारण की वजह से हमारी वीडियोस नहीं बन रही, क्योंकि टाइम मतलब बहुत कम लगता है अब बनाने का। क्योंकि एक तो हमने शॉप ओपन कर लिया है, ऊपर से घर का काम भी हो जाता है, शॉप का काम भी हो जाता है, और फिर अभी इतनी लेट तक जागते रहो फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो वही है, इसी वजह से थोड़ी वीडियोस और लेट हो रही है। व्लॉग भी 7-8 दिन में अभी डाल रही हूँ, बस ऐसे ही अभी मन किया तो बना लिया। एक डेली लाइफ रूटीन व्लॉग भी डालना है मेरे को, बट वो समझ नहीं आता मैं डालूँ कैसे, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तब ये नहीं उठते, ये सोते रहते हैं, और काम वगैरह मैं करती हूँ तो या तो काम ही होगा या व्लॉग ही बनेगा, इसलिए वो व्लॉग नहीं डल रहा है। बाकी करेंगे ट्राई, या तो कल तो नहीं होगा क्योंकि अभी आएंगे वो, तो 3-3:30 तो वैसे ही बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए सुबह उठना भी पड़ेगा 7:30 बजे। तो मुश्किल है, वो तो उठेंगे नहीं 11 बजे से पहले, उनका तो रोज का काम है कि वो 10:30-11 बजे ही उठते हैं हर रोज, तो इसीलिए तभी वो ड्यूटी से आएंगे। तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, तो फटाफट से खाना बनाना। क्या मैंने सब्जी बना रखी है, दूध भी गर्म करके रख रखा है, बस आटा लगा के रखा है। खाना बनाना भी वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तो उनका वेट करते हैं, बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने बजे आते हैं। सो चलो। तो 1:50 पे यो मानस गरा बढ़िया है, तो न्यू बताओ ये मेरी कोई जिंदगी रह दी है। 1:50 पे ये घर आए हैं, ये मैं 10 मिनट में इनके खातर खाना बना दूंगी, फिर इन्हें डाल के दे दूंगी, और फिर ये फोन देखते देखते 3 बजे तक खाना खाओगे। 1 घंटे में ये 4 रोटी खाए हैं। क्या देख रहे हो? आज ही अपना पर्स चेक कर रही थी, उनके पर्स में कितने बचे हुए हैं। मैंने कहूँ आपके पास दो नोट है ना, 786 वाले, कौन सा दिया, 200 वाला मेरती दे देते हैं, एक नोट मन्ने भी ला दो है, मैं भी मेरी दुकान में धरूंगी, एक नोट ला दो। कद आओगे देखने पड़ेंगे नोट, हमारे पति देव क्या जवाब दे रहे हैं, आएंगे जब देखेंगे। आप वाला दे दो, आप वाला नोट दे दो 500 का, आपके पास जो 500 का नोट है ना वो दे दो, ऑनलाइन आ भर दो ना एक बार। जे आप ऑनलाइन कर दोगे तो आप दे भी दोगे। देखो मैं दिखाऊं उनके पास कौन सा नोट है। क्या नोट डाल रहा है तू, इनके पास ना ये वाला नोट है, ये वाला, मैं ये नोट पहले इनके पास 200 का था, पहले इनके पास 10 का था, फिर वो 10 का ही इन्होंने पापा को दे दिया, पापा ने वो खर्च कर दिया, अब फिर इनके पास 200 का आया, फिर इनके इनके पास ये वाला आया, ये
तो अब ये 200 वाला भी पापा को दे आए। और ये देखो ये मैं इनका कलेक्शन दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये वाला 10 का जो पुराना नोट है पहले का वो वाला, और ये 100 रुपए का नोट बहुत पुराना है ये, तो इस पे मतलब जो सन है ना वो 19 मतलब कुछ का है, 80 से पहले का है ये, तो वो है। और एक 50 का था वो बेचारे का चला गया, घुस गया, खुश गया वो 50 रुपए का नोट, खुश गया इसने ले लिया वो। अब की बार ये घर गए ना तब ये नोटों का कलेक्शन घर वालों को दिखा रहे थे बेचारे के सारे नोट चले गए, ओह माय गॉड। तो चलो अभी मैं खाना बना देती हूँ, मैंने 2-3 मिनट यही निकाल दिए, तो फटाफट खाना बना देती हूँ मैं। सो हेलो एवरीवन, अभी है नेक्स्ट डे और मैंने तैयार तू रोकर सवेरे वीडियो बनाई थी, ये मेहंदी भी मैंने कल रात ने लगाई थी, और आज आ गई नम्रता। या रही देखो ये रही नम्रता आज ये लड़की आई और इसने उर्दू मचवा जाना शुरू कर दिया है कित जावे है कित जाओगी इब कित जाओगी बता कित जाओगी लाग जाएगा बेटा यो लाग जाएगा छोड़ दे इसने। सो इब हम जान लाग रहे दुकान पे क्योंकि मैंने सुवेर की ने दुकान ना खोली थी, इब खोल लूंगी, सुवेर मम्मी आ गई थी फिर वीडियो वीडियो बनानी थी थोड़ी सी, तो इब जाऊ। मैंने टी शर्ट दोबारा पहन ली क्योंकि टी शर्ट मोनू की है और या खुली खुली सही है, तो जा तो मैंने आई फिर दोबारा पहन ली, हम जाओ दुकान पे। सो इब हम पहुंच गए थे दुकान में, और ये देखो ना यार जिन का दुकान ले रखे ना उनका भीतर मतलब एक छोटा हा बालक है, तो नम्रता उसको दो जाओ उसका इसका जीन उग रहा है, जाऊं भी मैं और मैं ना भी जाऊं तो ये उल्टी आ गई, ये नम्रता उल्टी आ गई, ये नम्रता उल्टी आ गई। आज आज आ जा तो